वेलकम बैक टू द वीडियो। बेसिकली ये वो पुरानी वीडियो है जिस पे हमने लास्ट टाइम लीव किया था, और अब हम उसी सिलेक्शन, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमें बॉर्डर्स को एक्सपेंड करना है, ठीक है। जो देखें बॉर्डर्स आ रहे हैं, इसको हमने बढ़ाना है। तो सबसे पहले तो मैं इन बॉर्डर्स को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्शन हमने पहले से बनाए हुए ऑलरेडी, इस मास्क के ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा। तो ये क्या होगा कि यहाँ से देखिएगा, ये सिलेक्शन आपकी हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको ऑन करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा अपने सेलेक्ट में, और सेलेक्ट मेन्यू में आने के बाद मैं आऊँगा मॉडिफाई में। मॉडिफाई का मतलब ये कि देखें, यहाँ से मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, मींस कि अपनी सिलेक्शन को कम कर सकता हूँ और बढ़ा सकता हूँ, स्मूथ भी कर सकता हूँ, बॉर्डर भी कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ से मैं आता हूँ एक्सपेंड, बढ़ाता हूँ बाय 1 pixels, और यहाँ ओके करता हूँ। देखिए मेरी सिलेक्शन बढ़ गई, यहाँ से सिलेक्शन बढ़ ही चुकी है और सिलेक्शन बन भी चुकी है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्ले सेलेक्ट कर लेता हूँ वाइट कलर, और ओके करता हूँ, और हमारे ऑलरेडी वो मास्क सेलेक्ट है, तो ऑल्ट के साथ बैक स्पेस कर रहा हूँ। ये देखिए हमारी जो सिलेक्शन है वो बेसिकली बढ़ चुकी है, और मैं कंट्रोल डी करूँगा डी सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल डी कर दूंगा यहाँ से डी सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद जो है वो इसको थोड़ा ऑफ करूंगा। अच्छा, अब आप देखिए कि हमारे जो सिलेक्शन है, ये देखिएगा इस तरीके से हमारे बॉर्डर्स के ऊपर आ चुकी है, वो बॉर्डर्स हमारे बन चुके हैं। दोबारा ऑन कर लूंगा मैं यहाँ से, ओके। चूंकि ये आपने देखा होगा कि काफ़ी डिटेल्ड ट्रेनिंग है, तो आपको प्रैक्टिस करने की काफ़ी ज़रूरत है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट मैं इसी में ही आऊँगा, इसको ले मैंने सेलेक्ट किया हुआ, यहाँ से एफएक्स में आऊँगा और यहाँ से लेवल एंड एम्बोस पे क्लिक करूँगा। लेवल एंड एम्बोस क्या करेगा, एक इसके अंदर थोड़ी सी डेप्थ ऐड कर देगा। ये देखिएगा इसके अंदर एक तरह की डेप्थ ऐड होगी। यहाँ से देखिएगा मैं थोड़ा सा इसको डाउन कर दूँगा, डाउन्स मीन्स के थोड़ा इसमें ऐसा लग रहा है कि बाकी टेक्सचर दिख रहे हैं इसके यहाँ से, और इसकी डेप्थ आप बढ़ा सकते हैं इफ़ यू लाइक। मैं थोड़ी सी डेप्थ बढ़ा रहा हूँ इधर से, और बाकी साइज़ मैं इसका नहीं चढ़ा रहा, साइज़ का मैं बाय डिफ़ॉल्ट वही रख रहा हूँ, और स्मूथ भी वही है, तमाम चीज़ें तकरीबन वही है, और इसको स्मूथ आउटर और इनर भी तकरीबन वही रखा, इनर बेवल, और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये आपकी तकरीबन वो इफेक्ट बन चुका है। अच्छा, यहाँ से इफेक्ट थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, इधर से थोड़ा सा इफेक्ट ख़राब हो रहा है, बाकी तकरीबन वो सारी चीज़ें बिल्कुल ओके। असल हमारी जो बेसिकली इस ट्रेनिंग का जो पर्पस था वो तकरीबन फुलफिल हो चुका है। इसको मैं यहाँ से ओके करूँगा, लेयर ऑन करूँगा, ये जो वाइट कलर बैकग्राउंड लेयर है ऑफ कर दूंगा, और यहाँ से मैं इसको ऑन कर दूंगा। तो ये देखिए इस तरीके से इधर लग के आ चुका है, ठीक है। अच्छा, सेकंड पे क्या है कि हम लोग इसको डिलीट कर देंगे वाइट बैकग्राउंड को यहाँ से, और इसको जो है वो थोड़ा सा ओपेसिटी डाउन कर सकते हैं इसकी। ये देखिएगा ओपेसिटी ज़्यादा नहीं है, वो थोड़ी सी लाइक 50% कर लेंगे इसको, इसको यहाँ से 50% कर लेंगे, सॉरी 50%। एंड उसके बाद ये है कि आप इसमें जो है वो डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको ऑफ करा और दोबारा ऑन करा, और यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो बेसिकली से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे से, ऑफ ऑन कर सकते हैं, और दूसरा है कि यहाँ से भी आप इसको मल्टीप्लाई करके डिफरेंट अफेक्ट्स जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर कितना डेप्थ ऐड हो गई। ओके, तो ये जो बेसिकली जो अभी हमने नया टेक्स्ट बनाया वो बेसिकली एज एन केज की तरीके का काम कर, अगर मैं सिर्फ बस ऑल्ट क्लिक करूं और सिर्फ इस ऑन करूं, तो अभी देखिए कि इस तरह का लग रहा है जैसे कोई केज है आपस में। मैं इसको यहाँ से अगर कैपेसिटी फुल करता हूँ तो ये देखिएगा यहाँ से केज लग रहा है इसको पूरा एक। तो ये बेसिकली मैं बनाने का मकसद था कि
किसी तरीके से इसका एक ऊपर केज बनाया जाए। ठीक है, और इसको दोबारा ऑन करते हैं और यहाँ से ऑन कर लेते हैं, देख लेते हैं, और इसको थोड़ा सा ओपेसिटी डाउन कर सकते हैं इसके, आप यहाँ से लाइक दिस, और थोड़ी सी ओपेसिटी और डाउन करके ये कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। सो इस तरीके के और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं एडवांस ट्रेनिंग में और एडवांस फीचर्स के अंदर। सो इसमें सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेसन में आपके साथ दोबारा आएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से और मज़ीद टूल्स को इम्प्रूव करते हैं। अपने कॉमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।